ये रिश्ता क्या कहलाता है कि हैंडसम हंक यानी कि मोहसिन खान इन दिनों में शो के अलावा कई सारे अलग अलग प्रोजेक्ट में नजर आ रहे हैं, जिनमें ज्यादातर म्यूजिक एल्बम शामिल हैं, जिनमें इन्हें दर्शक काफी पसंद भी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि मोहसिन खान के अलग अलग प्रोजेक्ट्स में वापसी करने के पीछे 5 मकसद हैं, जिनके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता। तो इसलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको मोहसिन खान के उन्हीं 5 मकसदों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए मोहसिन खान अलग अलग प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं। चलिए जानते हैं उन 5 मकसदों के बारे में। नंबर 1, और ज्यादा फेम के लिए। मोहसिन खान के अलग अलग प्रोजेक्ट में नजर आने के पीछे मकसद ये है कि ये और भी ज्यादा फेम हासिल करना चाहते हैं, ताकि जिस तरह से ये टीवी पर अपने सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है से छा गए थे, उसी तरह अलग अलग प्रोजेक्ट में काम करके ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हर तरफ एक चमकता हुआ नाम बन सके। नंबर 2, बॉलीवुड में ट्राई करने के लिए। मोहसिन खान अलग अलग प्रोजेक्ट में इसलिए भी काम कर रहे हैं क्योंकि ये बॉलीवुड में अपना कदम रखना चाहते हैं और अपनी किस्मत बॉलीवुड में भी आजमाना चाहते हैं। इसलिए तो ये अलग अलग प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, जिसके चलते इनकी बॉलीवुड में कदम रखने की तैयारी भी हो रही है, क्योंकि ज्यादातर नए अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को ऐसे ही डिफरेंट प्रोजेक्ट में नोटिस किया जाता है और फिर उन्हें बॉलीवुड में कदम रखने का टिकट भी मिल जाता है। इसलिए तो मोहसिन खान अलग अलग प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। नंबर 3, इंटरेस्टेड है एल्बम्स में। मोहसिन खान का नए प्रोजेक्ट्स में काम करने के पीछे एक मकसद ये भी है कि इन्हें म्यूजिक एल्बम में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि वो काफी क्विक और कम समय में पूरे हो जाने वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिनमें काम करके एक्टर को भी काफी मजा आता है और वो अपने नए नए शेड्स में भी रूबरू हो पाते हैं। यही वजह है कि मोहसिन खान इतनी एल्बम कर रहे हैं। नंबर 4, न्यू एक्ट्रेस के साथ ट्राई करना। मोहसिन खान का ये नया प्रोजेक्ट करने के पीछे एक मकसद ये भी है कि ये नई नई अभिनेत्रियों के साथ काम करना चाहते हैं, ताकि ये हर किसी के साथ काम करने में कंफर्टेबल हो जाएं और उन अभिनेत्रियों के साथ अच्छी केमिस्ट्री पर्दे पर पेश करके खूब पॉपुलर भी हो जाएं। साथ ही आपको बता दें कि ये एक ही अभिनेत्री के साथ इतने साल तक काम करके काफी बोर हो गए थे, इसलिए इन्होंने एल्बम्स को अपने न्यू प्रोजेक्ट के तौर पर चुना, ताकि इन्हें फ्रेश एक्ट्रेस के साथ काम करने का मौका मिल सके। नंबर 5, रिश्ता क्या कहलाता है के बाद खाली नहीं बैठना चाहते थे। मोहसिन खान का इन प्रोजेक्ट को करने के पीछे आखिरी मकसद ये है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है क्विट करने के बाद खाली नहीं बैठना चाहते थे, बल्कि अपनी एक्टिंग करियर को बरकरार रखने के साथ साथ अपनी एक्टिंग और भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट लाना चाहते थे। इसलिए इन्होंने बगैर ब्रेक लिए डिफरेंट जेनर के नए नए प्रोजेक्ट लेना शुरू कर दिया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, मोहसिन खान इन नए प्रोजेक्ट्स को चुनकर सही कर रहे हैं या गलत? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।